अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब भी हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, लगाव का भाव जागृत होता है, तो हम भावुक होना शुरू हो जाते हैं उसके प्रति, जिससे हमारा जुड़ाव होने लगता है। इसी तरह से हम भगवान से भी जुड़ने लगते हैं, अपने इष्ट देव से जुड़ने लगते हैं, आपके जो देवी देवता आपने जिनकी पूजा करते हैं आप उनसे जुड़ने लगते हैं। वो आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, आपके इष्ट देव हो सकते हैं, स्थान के देवता हो सकते हैं, कुल के देवता हो सकते हैं। तो जब भी हम भगवान से जुड़ने लगते हैं, देवी देवता से जुड़ने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी पूजा का जो स्तर होता है बहुत बढ़ चुका होता है और देवी देवताओं से आप जुड़ने लगते हैं, भगवान से जुड़ने लगते हैं। तो आपने एक बात को महसूस किया होगा कि जब भी आप भगवान की बहुत भाव से पूजा करते हैं, जब भी आप भगवान के प्रति पूरा लगाव प्रदर्शित करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं अपने पूजा स्थल पे घर में, तो आप भावुक होना शुरू हो जाते हैं, आपका मन भर आता है। कई लोग तो रोने भी लगते हैं, कई लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जैसे कोई उन्हें छोड़ के जा रहा हो। उस तरह का जो दुख नहीं होता है, वैसा दुख तो नहीं होता है, लेकिन उस तरह से जो मन भरता है, मन भावुक होने लगता है, ऐसा लगता है कि रो लें भगवान के सामने। कभी कभी हम अपनी बातें बताते बताते भी भावुक हो जाते हैं। हम अपनी परेशानियाँ, हम किसी परेशानी में फंसे होते हैं, या हमारे घर में कोई बीमार होता है, या हम किसी दिक्कत में होते हैं, तो हम भगवान के सामने भावुक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भावुकता क्यों आती है भगवान के प्रति, जब भी हम उनके सामने पूजा करने बैठते हैं? ऐसे भावुकता आने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी भगवान की पूजा करते हैं, या भगवान के सामने हम विनती करते हैं, या भगवान का ध्यान करते हैं, तो एक भावुकता आने लगती है भगवान के प्रति, मन भर आने लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि दुख हो रहा है, दुख वाली भावुकता नहीं, एक जो प्रसन्नता वाली भावुकता होती है, बोलते हैं ना कि ज़्यादा प्रसन्नता होती है तो इंसान की आँखें भर आती हैं, उस तरह की एक भावुकता होने लगती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जुड़ाव भगवान के प्रति बढ़ चुका होता है, आपका जुड़ाव या आपका लगाव भगवान के प्रति इतना ज़्यादा हो चुका होता है, जिसके कारण आपका मन भरने लगता है। ये एक संकेत होता है कि आप भगवान से जुड़ चुके हैं, ये एक संकेत होता है कि आप उन देवी देवताओं से जुड़ चुके हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उन। और ऐसा केवल आपके घर पे ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जो आपका घर का पूजा स्थल है वहीं पे इस प्रकार से हो रहा है। यह आपके साथ में तब भी हो सकता है, या तब भी होता है जब आप अपने घर से बाहर किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवालय में जाते हैं, या किसी माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, या हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, और वहाँ पर जब बैठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से एक तरह से आप जुड़ते हैं, तो आपका मन भावुक होने लगता है। कभी कभी अपनी बात बताते बताते मन ही मन उनसे अपनी बात कहते कहते भावुकता आ जाती है, कभी कभी बिना बात के भी भावुकता आ जाती है, बिना बात के भावुकता आने लगती है, बिना बात के आपका मन भावुक होने लगता है, आपके आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया तभी होती है जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं। देखिए, जो आपके घर के देवी देवता होते हैं वो आपकी जीवात्मा से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जितनी कि एक मंदिर में होती हैं। मंदिर में जो देवी देवता होते हैं, जहाँ उनकी स्थापना होती है, उनकी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, उनकी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। तो जब आप अपनी घर के देवी देवताओं की शक्ति के साथ में किसी मंदिर में जाते हैं, तो छोटी शक्ति बड़ी शक्ति से जुड़ती है, और जब छोटी शक्ति बड़ी शक्ति से जुड़ती है, तो जो छोटी शक्तियाँ आपके साथ में आपकी बहुत सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही होती, वो बड़ी शक्तियाँ जुड़ के उन सारी चीज़ों को ठीक कर देती हैं। आपके साथ में जो कुछ गलत होने वाला होता है, वो सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। तो एक ये भी प्रभाव पड़ता है, भगवान से जुड़ना एक संकेत है ये आपके लिए। अगर आपको भावुकता आती है, अगर आपके आँखों से आंसू निकल आते हैं, तो एक संकेत होता है कि आप भगवान से जुड़ चुके हैं। और उस समय जब आपको भावुकता आती है, उस भावुकता में जो आप भगवान से कहते हैं, जो भी कुछ भगवान से कहते हैं, जो भी अपने मन में भगवान
से कहने के लिए विचार लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, वो योग बनना शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से आपके कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी नियति बदलना शुरू हो जाती है, आपके भाग्य में जो लिखा होता है उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भावुकता आ गई और आप सोचो कि नहीं अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम तो बहुत दुखी हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ मिलने के लिए योग बनते हैं, और जब योग बनना शुरू होता है तो योग बनते बनते ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं, आपके साथ में जो दिक्कतें चल रही होती हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जिज्ञासा रखते हैं कि उनका घर बन जाए या उन्हें नौकरी मिल जाए, उनके जीवन में तरक्की हो जाए, या उनके बच्चों के साथ में कुछ अच्छा हो जाए, या जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं वो भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी सी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने सारे लोग होते हैं उतनी तरह की उनकी मनोकामनाएं होती हैं, उतनी तरह की उनकी परेशानियां होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं भगवान का, या बहुत ज़्यादा मंत्र जप करते हैं भगवान का, तो क्या होता है कि आपके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वो भी कभी कभी आंसुओं के रूप में निकलना शुरू हो जाती है। आपके अंदर की नकारात्मकता ख़त्म हो रही होती है, आपके अंदर का शुद्धिकरण, एक तरह से कह सकते हैं कि आपके अंदर का शुद्धिकरण हो रहा होता है। और उस शुद्धिकरण होने के कारण भी ऐसा होता है कि आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे नज़र लग गई या कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी कभी हम चौराहा नांग जाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टोटका करते हैं, कोई सर से नींबू घुमा के चौराहे पे फेंक आया, कोई कुछ फेंक आया, कोई लाल सिंदूर फेंक आया, आपने देखा होगा, कोई नारियल डाल के आ गया, अनजाने में हम क्या करते हैं उसके ऊपर से निकल जाते हैं, तो वो जो भी नज़र या जो कुछ भी होता है तो जो भी पार करता है उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप भगवान से जुड़ जाते हैं, जब भी आप भावुक हो जाते हैं, जब भी आप बहुत ज़्यादा जप करते हैं, जब भी आप बहुत ज़्यादा भगवान का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर की जो नकारात्मकता होती, जो आपको कहीं ना कहीं से मिल गई होती, ये भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये सारा कुछ पूजा का प्रभाव होता है। और पूजा का प्रभाव का अर्थ ये नहीं है कि खाली आप गए अब पूजा स्थल में अपने और आपने दीपक जलाया और हाथ जोड़ के चले आए, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा भगवान से जुड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप गए और तुरंत जुड़ गए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ आप जब बैठते हैं, आप ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तभी तो आप उनसे जुड़ पाते हैं। तो आवाहन जब आप करेंगे भगवान का तो आप उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और उसी समय भावुकता भी आती है जब आप उनसे जुड़ जाते हैं, और भावुकता आती है तो उसके बाद में आप जो उनसे कहते हैं भगवान से वो भी भगवान सुनना शुरू कर देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान से जुड़ाव हो जाता है आपका अगर आप भावुक हो जाते हैं पूजा करते समय, आपके मन में भावुकता आ जाती है। बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि में माता रानी को स्थान देते हैं अपने घर में, लेकिन जब विजयदशमी को या फिर नवमी को विसर्जन के लिए जाते हैं तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं, जैसे लगता है कि वो किसी की विदाई कर रहे हो अपने घर से। तो इस तरह के भी लोगों के अंदर भावुकता आती है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक जय श्री कृष्णा।